Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at LearnoHub.com. बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अपने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 21। इसका मतलब है कि आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एकदम खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स। तो जो भी मेल एक्सेसरी डक्ट्स हैं और जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, उनके मेजर फंक्शंस क्या हैं, राइट? तो सबसे पहले मेजर एक्सेसरी डक्ट्स हैं कौन कौन से। तो हमने जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें बहुत सारे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। और जब हम डिस्कस भी कर रहे थे तो हमने बात की थी कि बहुत सारे हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और उन्हें मूव करके जाना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, राइट? तो मेल में जो जितने भी पार्ट्स हैं वो यूजुअली ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डक्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वास डिफरेंसर, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंसर एंड रेटी टेस्टिस। इन सब का काम है, सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, राइट? ये स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, जैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गए, टेम्परेरीली स्टोर हुए, और इनका काम है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को इनको ट्रांसपोर्ट करते रहना, राइट? सिंपल एंड क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मेजर एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हमने तीन तरह के पढ़े थे, सबसे ऊपर कौन से थे, सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद कौन सा था, प्रोस्टेट ग्लैंड, और सबसे नीचे कौन से थे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, एक विंग लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनको हमने सेमिनल वेसिकल्स बोला था, उसके नीचे थोड़े और इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर्स थे उनको हमने प्रोस्टेट ग्लैंड बोला था, और सबसे नीचे दो बल्ब के जैसे दो स्ट्रक्चर्स थे जिनको हमने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोला था, राइट? इनका क्या फंक्शन है? अब जब स्पर्म सिक्रीट होते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्म सिक्रीट हो रहे हैं, राइट? उनके साथ बहुत सारा फ्लूइड भी सिक्रीट होता है। ये जो फ्लूइड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म की मोबिलिटी के लिए, राइट? हर एक ग्लैंड जो है वो फ्लूइड्स सिक्रीट कर रहा है जो स्पर्म्स की मोटिलिटी में, उनकी मोबिलिटी में हेल्प कर रहा है, क्योंकि उनको एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, राइट? तो आई होप ये आपको क्लियर हो। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होता है, ओवरी से रिलीज हुआ ओवम, राइट? और वो सेल्फ यूट्रस तक गया, दैट्स इट, राइट? लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बहुत सारे स्पर्म्स हैं जो रिलीज होते हैं और वो एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं टू फर्टिलाइज एन ओवम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो देयर आर सेमिनल वेसिकल, देयर बाय बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, देयर आर प्रोस्टेट ग्लैंड, सो दे ऑल सिक्रीट फ्लूइड एंड दे लुब्रिकेट द पैसेज। जहां से स्पर्म्स को मूव करना होता है वो उस पैसेज को लुब्रिकेट करते हैं और स्पर्म्स की मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, राइट? सो सिंपल एंड क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन ऊजेनेसिस, राइट? तो हम ऊजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है, हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस जहां स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही थी, आज हम पढ़ेंगे ऊजेनेसिस जहां पर ओवम की फॉर्मेशन होगी, राइट? सो बेसिकली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। सो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, व्हाट इज द मैच्योर फीमेल गैमेट, दैट इज ओवम, राइट? ये होता कब है, जैसे हमने पढ़ा था स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी, बट ऐसा ओवम के केस में नहीं होता है, फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जब एक गर्ल अपने मदर के वूम में होती है उसी टाइम जितने भी ओगोनिया है, जितने भी मतलब फीमेल गैमेट हैं, वो तभी बन जाते हैं एक ओवरी में, राइट? सो इट स्टार्ट्स एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और उसके बाद लाइफ टाइम में कभी भी ओवम नहीं बनते हैं।
ओके देन मिलियंस ऑफ ओगोनिया आर फॉर्म्ड एट ईच फीटल ओवरी, हर एक फीटल ओवरी, हमने पढ़ा है कि दो होती हैं पेयर में होती हैं, तो इन दोनों में ओवम बन जाते हैं, मिलियंस ऑफ ओवम बन जाते हैं फीटल ओवरीज में, राइट right? अब उसके बाद देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले हमारा होता है ओगोनिया, जो सबसे जिसे हम बोलेंगे कि मदर सेल जो है, ठीक है, जो हमारा गैमेट का मदर सेल है वो है ओगोनिया। अब ये जो ओगोनिया होता है, राइट, दिस इज द गैमेट मदर सेल, ओगोनिया जो होता है ये डिवाइड करता रहता है, राइट, ये डिवाइड करता है, इसमें पहले तो माइटोसिस होंगी, ओके, पहले ये हमारा ओगोनिया है, इसमें माइटोसिस होगी, और माइटोसिस होने पे इसमें बहुत सारे ओगोनिया बन जाएंगे, हमें यही समझ आ रहा है, राइट, हमें बेसिकली मिलेंगे प्राइमरी ओसाइट्स मिलेंगे हमें, राइट, तो यहां पर हमें इसमें बहुत सारी डिफरेंशिएशन होगी, माइटोसिस होगी, तो हमें मिल जाएंगे प्राइमरी ओसाइट, राइट, ये सारे क्या है, ये है प्राइमरी ओसाइट, ओके इसके बाद ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये इसी स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। अब इसमें होगी मियोसिस, क्या होगा इसमें, इसमें होगी मियोसिस, मियोसिस वन बेसिकली, तो मियोसिस वन में हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, प्रोफेज वन, फिर मेटाफेज वन, ऐसे होती हैं, तो प्राइमरी ओसाइट जो है वो उस टाइम अरेस्ट हो जाएगा हमारी प्रोफेज वन स्टेज में, ठीक है, प्रोफेज वन स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, राइट, टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें फर्दर थोड़ी सी डिविजन्स होंगी, जैसे इसमें प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, और फिर फाइनली टर्शरी फॉलिकल, तो बेसिकली ये है क्या, अगर मैं ये बोलूँ कि ये हमारा ओगोनिया है तो इसके अराउंड ना लेयर्स बनती जाएंगी, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड फाइनली टर्शरी फॉलिकल, ऐसे हमारी लेयर्स बनती जाएंगी, राइट, इसके बाद मियोटिक डिविजन जो है ये वहां पर अरेस्ट होती है फीटल स्टेज में, और ये जाके बिगिन होती है फिर प्यूबर्टी पे। प्यूबर्टी कब आती है, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो मेल्स से वो थोड़ा जल्दी आती है, लाइक फ्रॉम 10 टू 12 इयर्स ऑफ एज फीमेल्स में प्यूबर्टी आ जाती है, राइट, तो इसमें प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल बन गया, लेयर्स बन गए, अब फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, अब अगर हम एक प्राइमरी ओसाइट की बात करें, ठीक है, इनमें से जो एक है वो फर्दर डिवाइड होगा और वो एक बड़ा सा सेल बनाएगा और एक छोटा सा, जो बड़ा छोटा सा है उसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी, और जो हमारा बड़ा सा सेल है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट, राइट, सिंपल एंड क्लियर, प्राइमरी ओसाइट से क्या बना, सेकेंडरी ओसाइट, राइट, अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें क्या होगा, इसमें फर्दर डिविजन्स होगी और ये हमें देगा ओवम, ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें देगा ओवम, राइट, तो ओवम ही बेसिकली एक एंड रिजल्ट है किसका, ओजेनेसिस का, ओजेनेसिस के एंड में क्या बनता है, ओवम, स्पर्मेटोजेनेसिस के एंड में क्या बनता है, स्पर्म, राइट, तो यही हमारा एंड प्रोडक्ट है। तो हुआ क्या, हमारे पास एक ओगोनिया था जो गैमेट का मदर सेल था, उसने मियोसिस से डिवाइड किया और वो क्या बन गया, हमारे पास बहुत सारे ओगोनिया आ गए, और इन ओगोनिया में हुई प्राइमरी, इन ओगोनिया में हुई मियोसिस, राइट, मियोसिस वन हुई, और ये जो प्राइमरी ओसाइट थे इनमें जब मियोसिस वन हुई तो ये प्रोफेज वन में ही अरेस्ट होके रह गए, उसके आगे ये डिवाइड ही नहीं किए अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब ये डिवाइड होना शुरू हुए कब, जब प्यूबर्टी आई फीमेल्स में, तब ये डिवाइड होना शुरू हुए। तो जब हमने ये बात की थी कि जो प्राइम प्यूबर्टी पे क्या हो रहा था कि प्राइमरी ओसाइट जो था वो क्या बन रहा था, सेकेंडरी ओसाइट, और ये जो टर्शरी फॉलिकल हमने पढ़ा था ये हमारा बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल, राइट, सिंपल। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है यही हमारा एक्चुअली रप्चर होता है, तो हमारी क्या बनती है, एक पोलर बॉडी बनती है और एक बन जाता है हमारा ओवम, तो यहां पर हमारा प्राइमरी
फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और जब सेकेंडरी ओ साइट रप्चर होगा तो हमारी बनेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी, और एक बनेगा हमारा, मतलब एक हमारा ओवम बनेगा और एक हमारी छोटी सी सेल रिलीज होगा, दैट इज सेकेंडरी पोलर बॉडी, राइट। सिंपल एंड क्लियर, आई होप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ सेक्शन थ्रू ओवरी, राइट। तो हमें ओवरी के अंदर की कुछ जो चीजें हैं वो हमें शो करनी है, राइट। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें हमने ओवरी बनाई है, राइट। हमने उसकी बाउंड्री दी है। अब जब हम ओवरी पढ़ रहे थे, जब हमने ओव्यूलेशन पढ़ा था, जब हमने ओजेनेसिस पढ़ी थी, तो हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी थी, राइट। तो हमें एक्चुअली वही एक सीक्वेंस इसके अंदर दिखाना है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। तो हमें पता है कि ब्लड ओवरी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट। तो हमने ब्लड वेसल्स को मार्क किया। उसके बाद हमने पढ़ा था एक प्राइमरी ओ साइट होता है जो मदर सेल से बनता है ना, और उसके अराउंड जो होते हैं वो लेयर ऑफ सेल्स डिपॉजिट होते जाते हैं। तो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स डिपॉजिट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जब नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स आते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, राइट। अब जब इसके अराउंड और लेयर ऑफ सेल्स आते हैं तो हम उसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल, और ये जो एम्प्टी पार्ट है टर्शरी फॉलिकल के अंदर, इसको हम बोलते हैं एंट्रा, राइट। सिंपल हमने सीक्वेंस बता दिया। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल था ये क्या बन गया, ये बना सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड जो सेल्स होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप, राइट। बहुत ही सिंपल है, राइट। यही पढ़ा था हमने ओजेनेसिस में। उसके बाद अब ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मेच्योर हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, रप्चर हो जाता है। इसके रप्चर होने से ओवम रिलीज हो जाता है, राइट। सो दिस इज ओवम, ओके, द स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, इट इज ओवीयूएम। सो ओवम इज रिलीज, सो एट दिस पॉइंट व्हाट इट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है ना, ये जब रप्चर हो जाती है तो क्या बनता है, इसी ये जो रप्चर्ड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो इसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, इसके रिमेन्स होते हैं, इनसे बन जाता है कॉर्पस लूटियम, राइट। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉर्पस लूटियम, राइट। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, फिर अगेन सेम प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो और ओवम है वो मतलब उनके अराउंड वो अपने प्रोफेज वन अरेस्टेड स्टेज से निकलेंगे, फिर उनमें वेरियस प्रोसेसेस होंगे प्राइमरी ओसाइट में। सो दिस इज हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओवरी के अंदर बेसिकली जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, हम इसमें वही सारी चीजें दिखाते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि हमने ये सारे प्रोसेसेस इन सीक्वेंस पढ़े हैं, राइट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का हमें एक लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें हमें ग्राफियन फॉलिकल क्या था, उसके अंदर क्या था, सेकेंडरी ओसाइट था, और जो टर्शरी फॉलिकल था, जो टर्शरी फॉलिकल्स थे वो डेवलप होके क्या बन गए थे, वो ग्राफिन फॉलिकल बन गए थे, राइट। और यहीं से अब क्या रिलीज होना है, जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें है सेकेंडरी ओसाइट, राइट। सो दिस इज सेकेंडरी ओसाइट अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ओके। ये जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, राइट। सिंपल। इसके बाद इस ये जो अंदर कैविटी होती है, ये हमने ओवम के स्ट्रक्चर में भी किया था, तो ये जो अंदर कैविटी होती है ग्राफियन फॉलिकल को, इसको हम बोलते हैं एंट्रा। उसके बाद इसके पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं थीका, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन को हम बेसिकली हम थीका बोलते हैं, बस फर्क ये है कि बाहर वाली और अंदर वाली जो होती है, अंदर वाली को बोलते हैं थीका इंटरना
और बाहर वाली को बोलते हैं एक्सटर्ना। बहुत ही सिंपल राइट, और कुछ भी नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। आपको ग्राफीन फॉलिकल दिखाना है, आपको उसके अंदर वो साइड दिखाना है, उसकी जो कैविटी है वो बतानी है, और उसकी जो दो लेयर्स हैं उनको हमने मार्क करना है बस, और कोरोना रेडिएटर जो सेल्स है हमें उनको मार्क करना है, दैट्स इट। बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है राइट। जब वही बात है कि जब हमें बोला गया है लेबल, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, तो हमें सिर्फ लेबल डायग्राम ही ड्रॉ करना है, तब हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है उसकी एक्सप्लेनेशन में राइट। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है कॉर्पस लिटियम। कॉर्पस लिटियम हमने कहाँ पढ़ा था? ओवरी में पढ़ा था। ओवरी में कॉर्पस लिटियम का फंक्शन होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना। ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस में हेल्प करता है, मतलब वो पार्ट जहां पर फर्टिलाइज्ड एग जाके इम्प्लांट होता है उसकी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। फाइन, उसके बाद है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? हमने यूट्रस पढ़ा था, यूट्रस में लाइनिंग पड़ी थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पड़ी थी, वहां पर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ मेंटेनेंस सब कुछ वहीं पर होती है यूट्रस में, इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। तो उसका एंडोमेट्रियम का फंक्शन होता है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम राइट। देन कमिंग ऑन टू एक्रोसोम। एक्रोसोम जब हमने स्पर्म पढ़ा था, स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने एक्रोसोम पढ़ा था। एक्रोसोम में क्या होता है कि तो एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज करते हैं राइट, और स्पर्म की पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब स्पर्म पहुंच चुका है एग के पास, पहले तो उसके एग की मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा और फिर पेनिट्रेट करना पड़ेगा ताकि हमें एक फर्टिलाइज्ड ओवम मिले। तो उसमें एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं राइट। देन कमिंग ऑन टू स्पर्म टेल। तो हमने पढ़ा था स्पर्म है राइट, इसका हेड है, फिर इसके पास नेक भी है और इसके पास एक लॉन्ग सी टेल है। इस लॉन्ग टेल का फंक्शन होता है मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मूवमेंट में हेल्प करना, सो इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द स्पर्म। बहुत ही सिंपल। कमिंग ऑन टू फिम्ब्रिय। फिम्ब्रिय क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन, इट हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद स्पर्म को कलेक्ट करने का काम कौन करता है? फिम्ब्रिय करता है राइट। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू, ठीक है। तो हमें पहले तो ट्रू एंड फॉल्स देखने हैं कौन कौन से हैं, और जो फॉल्स है उसे हम करेक्ट करेंगे। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। तो ये बोल रहा है कि एंड्रोजन्स जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स हमने कहाँ पर पढ़े थे राइट? हमने पढ़े थे ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, लेकिन एंड्रोजन्स को, एंड्रोजन्स जो है वो सर्टोली सेल्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स, ठीक है राइट। तो द ऑप्शन इज फॉल्स। ओके, बी पार्ट, स्पर्मेटोजोआ गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, सो दैट इज करेक्ट, ठीक है। जो स्पर्म्स बनते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलती है सर्टोली सेल से राइट। हमने तीन तरह के सेल पढ़े हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म्स बनाते हैं, सर्टोली सेल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और लेडिक सेल्स आउटर लाइनिंग में होते हैं जो एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज ट्रू राइट। कमिंग ऑन टू सी पार्ट, लेडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी। नो, ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये हमने लाइनिंग पर पढ़े थे राइट। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होते हैं ऑफ टेस्टिस राइट। सो लेडिक सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देन कमिंग ऑन टू डी पार्ट, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन्स। तो यस, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में भी यही बोला था राइट, ट्रू। सो ओजेनेसिस टेक प्लेस इन कॉर्पस लिटियम। तो क्या ओजेनेसिस कॉर्पस लिटियम में होती है? नहीं, कॉर्पस लिटियम में नहीं होती है। वो कहाँ पर होती है? ओजेनेसिस ओजेनेसिस होती है ओवरी में। ओके, सो दिस इज अगेन
sorry, not true, but false, right? Then menstrual cycle ceases during pregnancy. तो menstrual cycle जो है, मतलब वो जो monthly blood vessel rupture होती है और female से blood loss होता है, वो pregnancy में stop हो जाता है. So that is true. क्यों होता है? क्योंकि endometrium खुद को किसके लिए prepare कर रहा है कि एक fertilized egg आएगा, वो implant हो जाएगा और उससे एक baby grow होगा. तो उसका काम रहता है कि बस अब इस baby की growth में उसको support करना है, right? लेकिन menstrual cycle में, और अगर ये fertilized ovum यहाँ पर आके endometrium में implant नहीं होता है, तो वो जो endometrium lining है वो shed हो जाती है और वो as a blood जो है वो month, हर महीने female से loss होता है. मतलब बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में वो ब्लड लॉस होता है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. सो दैट इज ट्रू, राइट? तो हाइमन हमने पढ़ा था, एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में और वो यूजली टूटती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम. लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा, मतलब वो फीमेल जो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं प्लेइंग में, फिजिकल एक्सरसाइज में, तो ये बहुत ही थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, तो ये उस एक्सरसाइजिंग में, फिजिकल वर्क में ही ब्रेक हो जाती है. सो इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, राइट? सो आई होप क्लियर टू एवरीबडी. अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की. क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हिच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और कौन से हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, राइट? उसके होने में कौन सा इवेंट होगा, किसके बाद क्या होगा, किस इवेंट में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है, एक रिप्रोडक्ट साइकिल है फीमेल्स में, प्राइमेट्स में, ठीक है? सो इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, ओके? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है बेसिकली प्यूबर्टी से, राइट? मतलब 10 टू 12 इयर्स की एज में प्यूबर्टी पर ये स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं मेनार्च, राइट? मेनार्च, राइट? ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये खत्म हो जाती है जाकर कब, मेनोपॉज पर, राइट? मेनोपॉज का 45 से 55 इयर्स के बीच में अलग अलग टाइम पर, ठीक है, हर फीमेल में ये टाइम अलग होता है. तो ऑन एन एवरेज 45 टू 55 इयर्स के बीच में मेनोपॉज आ जाता है, जब ओवरीज जो है वो और एग्स रिलीज करना बंद कर देती है. मतलब ओवरीज जो है वो डॉर्मेंट हो जाती हैं, वो इनएक्टिव हो जाती हैं, राइट? सिंपल. अब है, इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, हमने इसमें चार फेजेस में डिवाइड किया है, राइट? तो हम चार फेजेस में पढ़ेंगे कहाँ पर कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या कर रहा है. तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के साथ. हमारा जो फर्स्ट फेज आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल फेज. इसमें LH is what? LH is luteinizing hormone. Luteinizing hormone की production करता है कौन? Anterior pituitary gland, ठीक है? Pituitary gland से LH hormone produce होता है, ठीक है? जो LH hormone anterior pituitary produce कर रही है, menstrual phase में वो कम हो जाता है, ठीक है? उसका जो level है वो कम हो जाता है. उसके बाद इससे क्या होता है, जो हमारा corpus luteum होता है, हमने ovary में पढ़ा था ना corpus luteum, right? Remember the structure of ovary जो भी हमने थोड़े देर पहले पढ़ा था, तो उसमें corpus luteum जो है वो degenerate हो जाता है, जिसकी वजह से progesterone और estrogen, ये again hormones हैं, उनकी production भी कम हो जाती है, right? और इससे endometrium जो है वो break हो जाता है. Endometrium क्या था, हमने पढ़ा था कि अंदर यूट्रस की तीन वॉल्स होती हैं, उसमें सबसे अंदर वाली जो होती है, जो एक कुशनिंग वाली जिसको हम बोलते हैं, वो होती है एंडोमेट्रियम, और वो हर एक हर महीने बनती है. वो इसलिए बनती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, वो नरिश कर सके आने वाले बेबी को, अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है. अगर नहीं होती है तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ये रप्चर हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, फाइन? सिंपल.
तो ये होता है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम ओवरऑल अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें, तो हमारे पास चार हॉर्मोन्स रहेंगे, ठीक है, LH, FSH, देन प्रोजेस्टिरोन एंड एस्ट्रोजन। ये चार हॉर्मोन्स हमारे पास रहेंगे। तो यहाँ पर देखें कि क्या हो रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, ठीक है, उसने क्या किया, LH की सिक्रेशन को कम कर दिया मेंस्ट्रुअल फेज में, राइट। उसके बाद इसकी वजह से कॉर्पस लीटियम जो है वो डिजेनरेट हो गया, ठीक है। अब कॉर्पस लीटियम डीजनरेट हो गया तो उसकी वजह से प्रोजेस्टिरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी कम हो गई, ठीक है, बेसिकली उनके लेवल्स भी रिड्यूस हो गए। उनके लेवल्स रिड्यूस होने की वजह से जो एंडोमेट्रियल वॉल्व है वो रप्चर हो गई। फाइन, सिंपल। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फेज। तो अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड फेज की, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है फॉलिक्यूलर फेज, राइट, तो समथिंग रिलेटेड टू द फॉलिकल्स। अब हमने फॉलिकल्स भी पढ़े हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल्स एंड देन फाइनली अग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा छोटे छोटे ऊसाइट होते हैं, उनके अराउंड क्या होते हैं, उनके अराउंड लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, वो यही फॉलिकल्स होते हैं, राइट। प्राइमरी जो ऊसाइट होता है उसके अराउंड जैसे लेयर ऑफ सेल्स आएंगे वो बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, राइट। और जब ये प्राइमरी ऊसाइट सेकेंडरी ऊसाइट बन जाएगा तो उसके अराउंड जो टर्शरी फॉलिकल वाली लेयर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल्स में। सिंपल, यही पढ़ा था हमने। तो इस फेज में क्या होता है, बेसिकली ग्रोथ हो रही है किसकी, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, राइट। और हमारा जो एंडोमेट्रियम है जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में डीजनरेट हो गया था, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में, सॉरी नॉट साइकिल में, मेंस्ट्रुअल फेज में, फर्स्ट फेज में डीजनरेट हो गया था क्योंकि बेबी नहीं आया था, उसको सपोर्ट किसी को करना नहीं था, तो वो डीजनरेट हो गया था और वो एज अ ब्लड फ्लो वो सारा का सारा फीमेल बॉडी से निकल आया था, राइट। अब इस फेज में, फॉलिकुलर फेज में, वो फिर से अपने आप को रीजनरेट करने करना शुरू करता है। इसके रीजनरेट होने से तो बेसिकली जो अंदर वाला पार्ट है यूट्रस का, उसकी लाइनिंग जो है वो फिर से थिक होने लगती है, और इस होप में कि शायद बेबी आएगा और शायद उसको वो सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद होता है इसमें खूब सारी सिक्रेशन होती है LH की और FSH की, ठीक है। अब ये इतनी सारी सिक्रेशन अभी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, अभी हम नेक्स्ट फेज में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन, राइट। तो हमारा थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। बेसिकली ओव्यूलेटरी फेज है ओव्यूलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब ओवम रिलीज होता है। तो देखते हैं कि इस फेज में अब कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं। तो अगेन मैंने बात की थी कि सिर्फ चार ही हॉर्मोन्स हैं जो आपको थ्रू आउट मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेंगे, राइट। तो थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि LH और FSH की सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और ये सिक्रीशन एट द पीक होती है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ दिस फेज, ओव्यूलेटरी फेज। मतलब ओव्यूलेटरी फेज आता है ऑलमोस्ट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है। सो द LH एंड FH आर एट देयर पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। मिडल ऑफ द साइकिल मतलब हमने बोला कि 28 डेज की साइकिल है, तो उसमें से रफली ऑन द 14th डे ओव्यूलेशन होती है। इस टाइम पर LH और FSH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन की कॉन्सेंट्रेशन अपनी पीक लेवल पे होती है, मतलब हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है इस फेज में, राइट। यहाँ पर ऑस्ट्रोजन जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, राइट। और चौथा हार्मोन कौन सा मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरॉन। बस यही चार हैं जो सारा कुछ मैनेज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, राइट। उसके बाद जो LH की सिक्रीशन है उससे क्या होता है, मतलब अब क्योंकि हमने पढ़ा कि LH की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस सिक्रीशन के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन के बढ़ने से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है, राइट। अब एक पोलर बॉडी होगी, एक ओवम होगा, तो इस फॉलिकल के रप्चर होने से ओवम है वो रिलीज हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गई, ओव्यूलेशन हो गई। तो ये था हमारा थर्ड फेज, राइट। तो इसमें मतलब आपको ये पूछा जा सकता है, ये जो हॉर्मोन्स है ना, हॉर्मोन्स के बारे में क्वेश्चंस MCQs में आपके नीट में बहुत ज़्यादा, नीट मतलब जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरह से तोड़ मरोड़ के पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट फेज क्या है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट फेज की। लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो
ये हमारे चार फेजेस हैं, ये लास्ट फेज है, ये लास्ट फेज है मतलब ओव्यूलेशन हुई, तो ओव्यूलेशन हमने पढ़ा कब हुई, 14th डे पे हुई। अब उसके बाद भी अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऑलमोस्ट 14 डेज और बचे हैं, लाइक 15th डे टू 28th डे। तो ये जो 15th डे से लेकर 28th डे तक का टाइम होता है, इसको हम बोलते हैं लूटियल फेज, राइट। मतलब 15th से 28th डे तक का जो पीरियड होता है। अब इसमें क्या होता है, एक तो ये पोस्ट ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, पोस्ट ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद, ओवम रिलीज होने के बाद का फेज, ओके। तो इसमें कॉर्पस लीटियम जो है वो प्रोजेस्टिरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये जो कॉर्पस लीटियम होता है ये खुद को बनाना शुरू करता है ग्राफियन फॉलिकल से। हमने ओव्यूलेशन में क्या पढ़ा, ओव्यूलेटरी फेज में, कि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और ओवम बाहर निकल गया। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके रिमेन्स वही है, उन्हीं से बनना शुरू होता है कॉर्पस लीटियम, और एंडोमेट्रियम की अंदर वॉल और थिक होना स्टार्ट हो जाती है और खुद को मेंटेन करना शुरू कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि उसको पता है शायद ओव्यूलेशन वाले फेज में अब हो चुके होगा, फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा, फ्यूजन हो चुका होगा, तो अब एक फर्टिलाइज्ड ओवम आके शायद यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल पे इम्प्लांट हो जाएगा, इसलिए एंडोमेट्रियम वॉल खुद को मेंटेन करती है और थिक और ज्यादा थिक हो जाती है, राइट। तो हमने बेसिकली पूरे इसमें क्या क्या पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़े चार फेजेस, राइट, और उन चार फेजेस में हमने पढ़े चार हॉर्मोन्स। तो बेसिकली हमसे ये पूछा गया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, है ना, और उसमें कौन से हॉर्मोन्स जो हैं वो इसको रेगुलेट करते। तो हॉर्मोन्स तो चार ही हैं, LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो बेसिकली इन्हीं का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहता है, और उसी से पूरी कॉन्सेंट्रेशन मतलब पूरे इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो कौन रिलीज कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी कर रही है, ठीक है। तो वहाँ से ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, ये गोनेड्स पे एक्ट करते हैं और ये पूरा सिस्टम रेगुलेट करते हैं, राइट। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी क्लियर, राइट। तो हार्मोन्स याद रखो किसकी लेवल कहाँ पर। अच्छा बताओ LH और FSH कब अपनी पीक पर थे, ठीक है, बिना पीछे मुड़े एक बार कॉमेंट्स में लिख के बताना। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज पैचुरेशन, विच हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पैचुरेशन, राइट। तो पैचुरेशन है क्या, बेसिकली पैचुरेशन है बेबी का डिलीवरी का प्रोसेस, ठीक है। अब 9 months मतलब जेस्टेशन पीरियड जिसे हम बोलते हैं, एक बार बेबी वो कंप्लीट कर लेता है मदर की बॉडी में, उसके बाद होती है बेबी की डिलीवरी। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पैचुरेशन, राइट। अब कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहली बात है कि पैचुरेशन का सिग्नल कौन देता है, मतलब ये यूजुअली होता है एट द एंड ऑफ 8th मंथ टू द एंड ऑफ 9th मंथ, नॉर्मल जो डिलीवरीज रहती हैं वो इस टाइम पर होती हैं। उसके बाद सबसे पहले ये होता है कि अगर हम देखें तो यूट्रस एक छोटा सा पार्ट है। अब जैसे जैसे बेबी ग्रो करता जाता है यूट्रस भी ग्रो करता जाता है, लेकिन स्टिल वो बेबी के लिए एक बहुत ही छोटी सी जगह है रहने के लिए। एक बार बेबी फुली ग्रो कर जाता है तो सबसे पहला सिग्नल बेबी देता है कि वो फुली डेवलप्ड है, और वो सिग्नल जाता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। तो बेसिकली दो हॉर्मोन्स हैं जो पैचुरेशन की इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड इज रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन तो बहुत ईजी है क्योंकि रिलैक्सिन जो वर्ड है वही हमें बता रहा है कि ये क्या ही करता होगा, राइट। ओके, सो सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन। हमें पता है कि अब बेबी जो है वो फुली ग्रो हो चुका है, राइट। अब बेबी को निकलना है बाहर मदर की बॉडी से, राइट, थ्रू बर्थ कैनाल, ओके। तो इसमें ऑक्सीटोसिन का काम होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कराना यूट्राइन में, ठीक है। यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग कि बेबी को पुश करती है नीचे की तरफ को, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो बर्थ केनाल से बाहर आए। सो इट लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ केनाल, राइट। बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करना, राइट। ये कॉन्ट्रैक्शंस जो प्रोवाइड होती हैं, ये मतलब जब
बेबी, इसका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ना, इसका लेवल तब इंक्रीज होता है जस्ट बिफोर डिलीवरी, ठीक है, जब बेसिकली पता चलता है कि ओके फुल टर्म हो गया है बेबी का, अब बेबी को बाहर आना है उस टाइम, प्लस जब लेबर पेन्स स्टार्ट होती हैं तब ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है। ओके, तो बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन और फाइनली बेबी को डाउनवर्ड पुश करता है और बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है, राइट। सेकेंड हमारा हार्मोन है रिलैक्सिन, जैसे कि ये बोल रहा है रिलैक्स, राइट। तो ये हमारे पेल्विक लिगामेंट्स को और सर्विक्स की को रिलैक्स करता है डिलीवरी प्रोसेस में। अब ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है, राइट, मतलब इतना बड़ा बेबी एक छोटे से केनाल से निकलता है तो उसमें सबसे पहले हमारे जो पेल्विक लिगामेंट्स हैं और जो सर्विक्स है उसे रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्स करता है ताकि डिलीवरी जो है वो स्मूथली हो जाए, बेबी जो है वो स्मूथली बाहर निकल आए, राइट। सो जब भी आपको कोई पूछे कि विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन और पाचुरेशन, सो दैट इज रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, बहुत ही सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड टू फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर्स, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। हमने पढ़ा है कि फीमेल्स में, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो उनके पास क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XX, ठीक है, ये होते हैं फीमेल्स के पास, राइट, वहीं पर मेल्स के पास होते हैं XY। तो जब भी एक से एक ओवम बनेगा, ठीक है, उसमें आएंगे, जब भी एक हैप्लॉयड गैमेट बनेगा तो उसमें यहां से फीमेल से एक एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, राइट। अब वहीं पर अगर मेल्स की बात करें तो उससे एक्स क्रोमोसोम भी आ सकता है, वाई क्रोमोसोम भी आ सकता है, राइट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो कौन सा क्रोमोसोम, फीमेल से तो एक्स ही आएगा दोनों टाइम, ठीक है, अब यहां से कौन सा क्रोमोसोम आया, कौन सा सेक्स क्रोमोसोम आया, वो डिसाइड करेगा कि जो चाइल्ड होगा, जो बेबी होगा, उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। तो या तो एक्स से एक्स फ्यूज करेगा तो एक फीमेल बॉर्न होगी, अगर वहीं पर एक्स को वाई फर्टिलाइज करता है तो यहां पर मेल सेक्स वाला चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फीमेल्स नहीं डिसाइड कर रही, फीमेल बॉडी नहीं डिसाइड कर रही है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल, इट इज द मेल बॉडी, ठीक है, मेल का जो क्रोमोसोम है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो बेबी आएगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज नॉट करेक्ट टू ब्लेम अ फीमेल फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर, राइट। सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन, राइट। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता सकते हो कि ठीक है, अब फीमेल्स है उनके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX, मेल्स की होते हैं XY, ठीक है, अब एक छोटा सा क्रॉस समझा दो, ठीक है, ऐसे कि एक्स से एक्स आएगा तो फीमेल, मतलब एक्स को एक्स अगर फर्टिलाइज करता है तो फीमेल होगी, अगर वाई क्रोमोसोम आके एग को फर्टिलाइज करता है तो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ, एक महीने में ह्यूमन की ओवरी, एक फीमेल की ओवरी कितने एग्स रिलीज करती है। तो द आंसर इज वन ओवम, ठीक है, मतलब एक ओवम या यू कैन से एक एग, ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि टू एग्स रिलीज होते हैं, कॉमनली जनरली सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है। How many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to identical twins? अब अगर identical twins पैदा होते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने eggs release हुए होंगे? Identical twins के केस में identical twins develop होते हैं एक single egg से, मतलब उनके सारे features सब कुछ same होता है, right? तो होता क्या है कि post fertilization, एक बार sperm ने आके egg को fertilize कर दिया, उसके बाद वो egg जो है वो दो में split हो जाता है, राइट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। सो आइडेंटिकल ट्विन्स आर अगेन डेवलप्ड फ्रॉम ओनली सिंगल एग,
ठीक है, उसमें भी एक ही एग इन्वॉल्व होता है, दो नहीं होते हैं. वहीं पर वुड योर आंसर चेंज इफ ट्विंस आर बॉर्न फ्रॉम ट्विंस बॉर्न वर फेटर्नल, मतलब अगर उनके जो डायजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मतलब कि दो अलग अलग से दिखने वाले ट्विंस होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो भी एक सिंगल एग से ही बने होंगे? नहीं, उसके केस में क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि फीमेल बॉडी से दो एग्स रिलीज हुए हैं, राइट. ये जो दोनों एग्स हैं, ये इनको अलग अलग स्पर्म ने आके फर्टिलाइज किया है और ये दोनों इम्प्लांट हो गए हैं आपके यूट्रस में. मतलब कि अगर फेटर्नल ट्विंस बॉर्न हो रहे हैं तो वो दो एग्स से डेवलप हो रहे हैं, दो ओवम से डेवलप हो रहे हैं, ना कि सिंगल ओवम से, राइट. आइडेंटिकल ट्विंस एक ओवम से डेवलप हुए हैं, बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो डिवाइड हो गया है, लेकिन फेटर्नल ट्विंस दो एग्स से डेवलप हुए हैं, दोनों एग्स को अलग अलग स्पर्म ने आके फर्टिलाइज किया है. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की. हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गिव बर्थ टू 6 पपीज. मतलब अब एक फीमेल डॉग है जिसने 6 पपीज को पैदा किया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उनमें कितने एग्स रिलीज हुए होंगे अगर 6 पपीज बॉर्न हुए हैं? तो इसका मतलब है कि 6 एग्स रिलीज हुए हैं. हर एक एग से एक पपी डेवलप, हर एक फर्टिलाइज्ड एग से एक पपी डेवलप हुआ है. ओके, सो देयर आर 6 एग्स रिलीज्ड बाय अ फीमेल डॉग टू गिव बर्थ टू 6 पपीज. बहुत ही सिंपल है, राइट. ओके, सो आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. हमने वन शॉट वीडियो अच्छे से देखा था, हमने क्वेश्चंस अच्छे से देखे हैं. अब आपके टॉपिक्स हो गए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर, राइट. तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में. और तब तक, जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.